रायपुर में हुआ बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में हुआ धमाका, सीआरपीएफ के 6 जवान घायल। महंगाई ने तोड़ी कमर, तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन बढ़ाया पेट्रोल डीजल के दाम, दामों में हुई 35 पैसे की बढ़ोतरी। आगरा में स्वास्थ्य विभाग के प्रयास नाकाफी, नहीं थम रहा डेंगू का कहर, मासूमों सहित 6 मौतों से मचा हड़कंप। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 महीने के बाद किया हत्या का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आगरा के ब्लॉक बाहर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयास देहात क्षेत्र में नाकाफी साबित हो रहे हैं। गांव-गांव फैली गंदगी और जल भराव से डेंगू का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है और जो गांव देहात में मासूमों पर मौत बनकर टूट रहा है, शहर के मुकाबले देहात में डेंगू से हालात ज्यादा खराब है। प्रशासन की तरफ से डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। गुरुवार की रात भी बाहर के गुमान सिंहपुर गांव में एक मासूम की उपचार के दौरान जान चली गई। वहीं मासूम की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि महीने भर में गांव में 4 मासूमों सहित 6 मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गांव के लोग प्रशासन की लचर स्वास्थ्य सेवाओं को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पेट्रोल डीजल सीएनजी और गैस के साथ सरसों के तेल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन सब्जी के दाम भी अब आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं और बारिश की वजह से सब्जी के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आपको बता दें कि जिस प्याज के दाम 20 रुपये प्रति किलो थे, आज वही प्याज 40 से 50 रुपये किलो प्रति किलो बेची जा रही है। वहीं टमाटर 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जो व्यक्ति ही पहले 1 किलो सब्जी खरीदता था, वो बढ़े हुए दाम सुनकर सिर्फ आधा किलो सब्जी खरीद रहा है। साथ ही पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, जिन गाड़ियों में मंडी से सब्जी आती है उन्हें भी रोका जा रहा है और ये भी एक कारण है कि सब्जियों के महंगे होने का। हर दिन मतलब लगभग 250-300 रुपये तक की सब्जी जा रही होती है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है, मतलब मैनेज करना पड़ता है बजट एंड ऑल। तो काफ़ी असर पड़ रहा है आपकी रसोई के भी मैनेज करने में, काफ़ी असर पड़ रहा है। हाँ, मतलब सोचना पड़ता है थोड़ा सा लेने से पहले, और क्या। क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसमें आप, लगातार पेट्रोल सब्जियाँ की रेट लगातार बढ़ रहे हैं? वो तो इकोनॉमी है, वो तो अप डाउन होती रहती है, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, मतलब जिस रेट पे मिल रही है उस रेट पे ही लेनी पड़ेगी। आजकल पहले 40 रुपये किलो टमाटर था, आज 80 रुपये किलो टमाटर है। प्याज भी बहुत महंगी है, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है दिनों में। आम जनमानस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। रसोई कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप अपने घर की? अब तो मैनेजमेंट, गैस पे पैसे बहुत बढ़े हुए हैं, सिलेंडर बहुत बढ़ गया है, सब चीज़ों पर पैसे बढ़े हुए हैं इस टाइम। तेल पर महंगाई है, 200 रुपये किलो तेल हो गया खाने का भी। बजट बहुत कम हो रहा है घर का, काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं लगातार। बिल्कुल 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 सच बात है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सरकार की नीतियों के खिलाफ और 3 काले बिल के साथ साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ डैनी का पुतला फूंका गया। किसान पिछले 10 महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर अपने आंदोलन को चला रहे हैं, ऐसे में सरकार और किसान के बीच कोई बात न बनने के चलते अब कोई रास्ता निकलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिसके चलते किसानों ने पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के दूसरे बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पर हुए किसान के नरसंहार पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर यादव ने कहा कि ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ, ये सरकार की सोची समझी चाल है, जिसके तहत किसी के मजहब और धर्म से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस और किसान आंदोलन में बैठे LIU के अधिकारियों के बीच अगर इस बात की इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश भी सामने आती है। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं,
किसानों ने ये पुतला फूका है अजय मिश्रा का। दरअसल आपको बता दें कि लगातार लखीमपुर खीरी की हिंसा को लेकर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं सिंगू बॉर्डर पर कल जो घटना हुई उसकी भी किसानों ने निंदा की है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर अजय मिश्रा का ये पुतला फूंका गया है। पूरे देश में कल दशहरे का त्यौहार मनाया गया था, लेकिन आज गाजीपुर बॉर्डर पर दशहरे का त्यौहार मनाया गया और जिसके लिए यहां पर पुतलों का दहन भी किया गया है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरह से आपने ये प्रोग्राम किया गया और क्या किन के पुतले दहन किए गए हैं। भारत सरकार 3 कानून और जो मंत्री जी अभी भी मुकदमा लिखने के बावजूद भी आरोप लड़के पे सिद्ध भी हो गए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, 120 पे उनके भी आरोप हैं, अभी तक डटे हुए हैं उनके सारे लोगों पर। अच्छा, कौन से मंत्री हैं, नाम बताइए। डैनी। अच्छा, अब इसके बाद आगे के क्या प्रोग्राम होंगे आपके? आगे 18 तारीख को रेल रोको अभियान है और 26 तारीख को लखनऊ में बड़ी पंचायत है। अच्छा, कहाँ कहाँ रेल रोकी जाएगी? पूरे देश में हर जगह। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो कल सिंधु बॉर्डर पर हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का प्रेस नोट भी आ गया है, पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। लेकिन अगर कोई साजिश के तहत किसी धर्म का अपमान करेगा, किसी महापुरुषों का अपमान करेगा, तो ये भी बात गलत है। सरकार को पारदर्शिता से जांच कराना चाहिए कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और कानून अपना काम करे। संयुक्त किसान मोर्चा कानून की मदद करेगा। अच्छा, तो उसमें संविधान के थ्रू भी वो उस पर बात पहुँचा सकते थे किसी तरह से, इस तरह से निर्मम हत्या करना, हाथ काटना गलत है। मेरे संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा ये गलत है, हम इसके न वो हमारे आंदोलन के अंग थे, न करने वाले, न जो जिसके साथ हुआ है और ना हमारा उनसे कोई ताल्लुक था, लेकिन फिर भी हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन साजिश के तहत इसके बीच में किसी धर्म का अपमान करना ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, एक तरफ हरियाणा पुलिस, एक तरफ दिल्ली पुलिस और बीच में LIU के एजेंट्स भी थे, उसके बाद भी ऐसी हत्या हो गई? अब वो तो सरकार का फेलियर है, वो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो सरकार का सरकार जाने। हमारा अपना स्पष्ट किसान मोर्चे का आ गया है कानून अपना काम करे, हम लोग कानून का साथ देंगे, ये नहीं होना चाहिए था। हम इसके न तो वो समर्थक हैं, न इसके साथी हैं और ना ही वो हमारे अंग थे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन को एक नया रंग मिला है और दशहरे के चलते जिस तरह से यहाँ पर पुतले फूके गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार का लगातार विरोध जारी है। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ गाज़ियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन जारी है, ऐसे में अजय मिश्रा के बर्खास्तगी और इस्तीफे की किसान मांग तो कर रहे हैं, वहीं अब सिंगू बॉर्डर पर जो कल घटना हुई है उसको लेकर भी अब किसान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए जिस तरह की जो घटना हुई है उसको लेकर जो किसान के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि एक तरफ हरियाणा पुलिस होती है, दूसरे बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस होती है और बीच में LIU और ऐसे तमाम एजेंसियों के अधिकारी बीच में मौजूद होते हैं, उसके बाद इस तरह की हत्या कर दी जाती है और कहीं ना कहीं खुद पुलिस या फिर सरकार के जो तंत्र हैं वो खुद इस चीज को हवा दे रहे हैं ताकि आंदोलन को आगे चलकर इस तरह से बदनाम किया जा सके और आंदोलन को खत्म किया जा सके। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर ये जो किसान आंदोलन है उस पर राजनीति लगातार की जा रही है। इस तरह की जब हत्या हो जाती है तो जो किसान नेता हैं वो अपना पक्ष रख लेते हैं और बड़ी आसानी से इससे जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान की हत्या की है वो बहुत बड़ी घटना है। लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो बदनामी की बात कहते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान आंदोलन तो पहले से ही बदनाम हो चुका है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं जो हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए इससे पहले अगर बात की जाए तो चोरी की घटनाएं आमतौर पर किसान आंदोलन में बड़ी आसानी से हो रही हैं, इसके अलावा रेप जैसी घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आंदोलन में जो पहले आंदोलन किसान जो आंदोलन के किसान थे और अब जो आंदोलन के किसान है उनकी संख्या लगातार तेजी से घटती जा रही है। पहले क्या होता था, जब शुरुआत आंदोलन की हुई थी तो लगातार दिन प्रतिदिन किसान बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, किसान आंदोलन में एक निराशावादी जो एक लहर है वो देखने को मिलती है। धीरे धीरे जो है जो नेताओं के साथ किसान नेताओं के साथ जो किसान रहते हैं
सिर्फ वो ही मात्र दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए तो जहां पहले नोएडा 62 तक जो किसान पहुंच चुके थे, अब वो सिमटते सिमटते सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर के 500 मीटर के दायरे में रह गए हैं, और उसमें भी कुछ किसान आपको दिखाई देंगे, और आधे से ज्यादा किसान जो है एक एक करके दो दो करके अपने घर वापस जा चुके हैं। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि जब इस तरह की अगर घटनाएं होंगी, इस तरह की हरकतें होंगी, तो कोई वहां पर नहीं रुकना चाहेगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो भी हत्या हो रही है, जो भी रेप जैसी वारदात हो रही है, इसके अलावा मार पिटाई की वारदात हुई है, अगर इसके अलावा भी सबसे चीज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, मीडिया पर भी लगातार इस तरह के हमले होते आए हैं, कभी किसी मीडिया कर्मी के साथ इस तरह से किसान आंदोलन के किसानों ने उन पर आक्रमण किया है, हमला किया है और उनके साथ बदतमीजी की है, तो ये सारी तमाम चीजें ऐसी हैं जो दर्शाती हैं कि ये किसान नहीं है, ये उग्र लोग हैं जो अपने घर से तो आ चुके हैं लेकिन इनकी जो उग्रता है वो किसान आंदोलन के रूप में दिखाई देती है। जी चलिए जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर का पूरा मामला है जहां पर किसानों ने अजय मिश्रा का पोता दहन किया। आपको बताने के लगातार गाजीपुर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर, वहीं सिंगू बॉर्डर पर जो कल जो कुछ हुआ उसको लेकर भी किसानों ने निंदा की और सीधे तौर पर साजिश की बात कही है और कहा है कि सरकार की तरफ से ये साजिश कराई गई है और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हरदोई पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर दिमाग का क्यों ना हो लेकिन कानून के हाथों शिकंजे से बच नहीं सकता है। हरदोई जिले के थाना कासिमपुर इलाके में गाजी उद्दीनपुर गांव निवासी एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी ज्योति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस काफी दिनों तक उसकी तलाश करती रही लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। पहले तो पुलिस ये समझती रही कि वो किसी के हाथ साथ चली गई है और आ जाएगी लेकिन लड़की का कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। ऐसे में लड़की के परिजन भी उम्मीद खो बैठे थे कि अब उनकी बेटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन पुलिस ने लड़की की तलाश जारी रखी और पुलिस ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार 8 महीने बाद पुलिस को लापता लड़की ज्योति के संबंध में चौंकाने वाली जानकारी मिली और पुलिस की रात दिन की मेहनत रंग लाई। पुलिस ने सूत्रों के अनुसार उसी गांव के निवासी ठाकुर प्रसाद और उसके बेटे राहुल को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि पिता पुत्र ने सच्चाई सारी बता दी और अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने बताया कि लड़की ज्योति और लड़के राहुल का प्रेम प्रसंग चलता था और लड़की राहुल से शादी करने का दबाव बना रही थी जो रिश्ता लड़के के परिजनों को मंजूर नहीं था, इसीलिए पिता और बेटे ने मिलकर लड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाकर उसको बुलाकर उसकी हत्या कर दी और गांव के बाहर एक खेत में उसके शव को दफना दिया। एसपी अजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा कर दिया है। यह प्रकरण थाना कासिमपुर जनपद हरदोई का है। इसमें तकरीबन 8 माह पहले एक मुकदमा कायम हुआ था जिसमें 17 साल की एक लड़की के गायब होने की बात थी। पिछले 8 माह से पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन उस लड़की की बरामदगी नहीं हो सकी। इसी दरमियान दो लोग ठाकुर प्रसाद और उसका पुत्र राहुल पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए। इनसे गहन पूछताछ की गई, हिकमत अमली से हुई पूछताछ के बाद इन्होंने जुर्म का इकबाल किया और ये बताया कि इन्होंने उस 17 साल की लड़की की हत्या करके शव को दफन कर दिया है। इनकी निशानदेही पर उस लड़की के मृत शरीर के अवशेष जिसमें हड्डियां शामिल हैं उसको बरामद किया गया। इसके अलावा उसके कुछ कपड़े, उसके दो मोबाइल सिम भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आगरा के थाना जैतपुर क्षेत्र में खेत में बाजरा की फसल काटते समय एक बड़ा अजगर दिखाई दिया, वहीं अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वन कर्मियों को मामले से अवगत कराया जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर 8 फीट लंबे अजगर को बमुश्किल पकड़ लिया और पकड़े गए विशाल अजगर को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कटनी के बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची और वेटनरी डॉक्टर का आपस में विवाद हो गया, वहीं ये विवाद भोपाल गृह मंत्रालय और डीजीपी के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी के खिलाफ वेटनरी डॉक्टर खुशबू जैन ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय में क्या फैसला लिया जाता है।
प्राप्त तहरीर के अनुसार मेरे पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और संपरीक्षण करना था, जिसके संबंध में मुझे पुलिस कर्मी एक किसी की आवश्यकता होती है, तो यही सबसे मांगने पर उनके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त किया गया और मुझे अभद्रता से पेश आया गया। और इस संबंध में उन्होंने मुझसे गाली गलौज भी की, जिसकी शिकायत मैंने 8 तारीख की रात्रि SP सर से की थी, SP कटनी से, बट उनके द्वारा की गई, उनके द्वारा अभी तक कोई भी मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं लग पाई थी कि वो आगे मतलब इस संबंध में क्या करने वाले हैं, या फिर उनका मतलब बेसिकली आगे जांच प्रक्रिया या क्या है। और इससे असंतुष्ट होकर मैंने आगे DGP सर से और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सर से शिकायत की है। मुझे उम्मीद है कि आगे कार्यवाही होगी और मुझे न्याय मिलेगा। तो कटनी का ये पूरा मामला है, जहां पर बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची और वेटनरी डॉक्टर का आपस में विवाद हो गया था। दरअसल डॉक्टर ने थाना प्रभारी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब ये पूरा का पूरा मामला भोपाल गृह मंत्रालय और DGP के पास भी पहुंच चुका है। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ वेटनरी डॉक्टर खुशबू जैन ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय में क्या फैसला लिया जाता है। तो कटनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये थाना प्रभारी के खिलाफ वेटनरी डॉक्टर खुशबू जैन ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, और साथ ही भोपाल गृह मंत्रालय में पूरा मामला पहुंच चुका है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय में क्या फैसला लिया जाता है। हरदोई के लोनार थाना इलाके के इटोरिया गांव में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब हारे हुए प्रधान प्रत्याशी और जीते प्रधान के बीच मामूली बात के बाद विवाद हो गया। इस विवाद में जमकर लाठी डंडे पत्थर भी चले। आरोप ये है कि इसमें कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। साथ ही मामले की सूचना पाकर CO CT विकास जायसवाल भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं CO CT ने बताया कि पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। थाना लोनार के अंदर इटौरिया गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखा गया कि शराब के नशे में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों से लोग घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल लाया गया है। अभी इलाज चल रहा है, आवश्यक विधि कार्रवाई की। क्या कोई चुनावी रंजिश की बात है, कुछ फायर आर्म इंजरी की बात आ रही है? अब एक पक्ष तो अभी प्रधान है, प्रधान पक्ष है, दूसरा जो उसके विपक्ष में लड़ा था ये पक्ष है, और दोनों की इसमें जानकारी की जा रही है। जो भी सामने तथ्य आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की। गोली लगने से घायल हुए, ऐसी कोई बात अभी नहीं आई है। डॉक्टर साहब जैसा भी मथुरा के विकास खंड चौमुहा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जबरन खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल विद्यालय के शिक्षक बच्चों से स्कूल टाइम में पढ़ाई कराने के बजाय जबरन घास खुदवा रहे हैं। वहीं जब शिक्षकों से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि साहब आपके विद्यालय में बच्चे स्कूल टाइम में पढ़ाई करने के बजाय घास की खुदाई क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इतना कहते हुए शिक्षक मीडिया कर्मियों पर भड़क गए और कहने लगे कि हमारे पास शिक्षा विभाग का आदेश है कि कोई भी मीडिया कर्मी स्कूल के अंदर नहीं आ सकता है। क्या नाम है? कहाँ से हो? नौगाम से, नगला मौला। जो ये बच्चों से इसने स्कूल पे नगला मौला के पे स्कूल पर जो घास उखड़वाई जा रही है, घास उखड़वाते हैं बच्चों पे, कीड़ा काटे हुए हैं, इसमें सफाई नहीं करवाता मास्टर। कौन उखड़वाते? मास्टर उखड़वाते हैं? हेड मास्टर उखड़वाते हैं। रतन सिंह है इसका, रतन सिंह मास्टर। तो कब कब उखड़वाते हैं ये बच्चों से घास? अभी तो 8 तारीख को उखड़वाई। 8 तारीख को। तेल कंपनियों ने आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 35-35 पैसों की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल का दाम 105.49 और मुंबई में 111.43 रुपए पर पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ये लगातार तीसरा दिन है, और इससे पहले बता दें कि 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल की
कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है, जबकि डीजल की दरें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार सहित एक दर्जन राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर को पार कर चुकी हैं। वहीं स्थानीय करों और माल भाड़े के आधार पर कई राज्यों के बीच कीमतें अलग अलग हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 105 रुपये बिक रहा है, तो ऐसे में एक लीटर डीजल की कीमत 94 रुपये 22 पैसे पर है। अगर कोलकाता की बात कर लें तो वहां पर एक लीटर पेट्रोल 106 रुपये 12 पैसे पर मिल रहा है, तो डीजल की कीमत 97 रुपये 33 पैसे है, जबकि मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 83 पैसे है, जबकि एक लीटर डीजल की कीमत 102 रुपये 15 पैसे है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 102 रुपये 75 पैसे पर बिक रहा है, तो एक लीटर डीजल 98 रुपये से ज़्यादा पर बिक रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्कों और उपकर में भारी बढ़ोतरी की थी। इससे सरकार के राजस्व संग्रह में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। इस समय देश में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है, वहीं कई राज्यों में भी डीजल शतक लगा चुका है। आगरा के पिनाहट ब्लॉक के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्कूल की जमीन पर दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। दबंगों ने रातों रात स्कूल की बाउंड्री वॉल तोड़कर कब्जे का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों को जैसे ही स्कूल पर कब्जे की जानकारी मिली, वैसे ही आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया और स्कूल बाउंड्री वॉल की दीवार तोड़कर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान रतिमंद पर स्कूल की दीवार तोड़कर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किसकी परमिशन पर रातों रात स्कूल की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। ग्रामीणों ने एसडीएम और शिक्षा विभाग से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका होने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट सुबह 6 बजे हुआ था। सीआरपीएफ के 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे, तभी ग्रेनेड ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। सीआरपीएफ के एक हवलदार की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही मौके पर सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि 17 जून को सिकंदराबाद के दरभंगा जंक्शन पहुंचे सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल वैन से उतारे गए रेडीमेड कपड़े के पैकेट में ब्लास्ट हो गया था। ट्रेन दिन में 1:18 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी थी, फिर पार्सल वैन से सामानों का पैकेट उतारा जाने लगा, जिसके बाद 3:25 पर रेडीमेड कपड़ों के पैकेट में से एक में विस्फोट हो गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था। वहीं साल 2019 में भी कानपुर के पास कालंदी एक्सप्रेस में धमाका हुआ था। आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल से चलकर भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस बरजारपुर स्टेशन पर खड़ी थी, तभी वहां टॉयलेट में विस्फोट हो गया था। धमाका होते ही पूरे इलाके में भगदड़ मच गई थी। लगातार आगरा में रात 9 बजे बता दें नो एंट्री में जा रहे ट्रक ने सीओ छत्ता कार्यालय के पास पंछी पेठे की दुकान के सामने कई लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की अवैध वसूली के बाद नो एंट्री में घुसे ट्रक ने लोगों को रौंदा है। वहीं ट्रक के नीचे आई एक मासूम की घटनास्थल पर भी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक और कंडक्टर भाग गए। घटना से गुस्साए लोगों ने जाम लगाने के साथ ट्रक को भी अपना निशाना बना डाला। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और सीओ ने लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। इसके बाद मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा के साथ ही गाड़ी को अपने कब्जे में भी ले लिया है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर नो एंट्री में ये ट्रक घुस गया था और ऐसे में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक मासूम की मौत भी हो चुकी है।
अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर ने कश्मीर में दो निर्दोषों की हत्या हुई है और अभी जो पंगाल में पंडाल जलाए हैं, मूर्तियां खंडित की हैं, उन पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि कहां गए वो लोग जो कश्मीरियत की बात करते हैं, अब निर्दोष लोगों की हत्या पर चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, मानव अधिकार की बात करते थे कुछ लोगों ने गलतफहमी पाल रखी है। स्वामी दीपांकर ने कहा कि गलतफहमी निकाल दीजिए सर और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।